हेलो गाइस, वेलकम बैक न्यू वीडियो। आज मैं बनाने जा रही हूँ गाइस बेसन के कतरे, जिसको गाइस थोपा भी बोलते हैं, और मैं बनाऊंगी इसकी सब्जी। सब्जी गाइस बहुत ही चटपटी मसालेदार बनती है। अब पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है, पनीर की सब्जी से भी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। सो गाइस, अगर आपके घर गेस्ट आए हुए हों तो आप सब्जी फटाफट आप बना सकते हैं। सो गाइस, देर ना करते हुए बनाते हैं बेसन की सब्जी और कतरे नाश्ते के लिए। तो गाइस, मैंने भी बेसन लिया है एक कटोरा। सो गाइस, अगर आप नए मेरे चैनल को देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा। चलते हैं गाइस गैस की तरफ। लोहे की कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई को अच्छे से पोंछ लेंगे। कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसको चारों तरफ कढ़ाई में लगा देंगे। और इसमें ये बेसन लिया है, बेसन को डाल देंगे। गैस को भी ऑन नहीं किया है। बेसन में डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, आधा टीस्पून से कम लाल मिर्च पाउडर, एक चुटकी टर्मरिक पाउडर, एक ग्लास पानी लिया है मैंने, और इसको पानी को डाल देंगे। अब दूसरा ग्लास मैंने ले लिया है और इसको इसका पतला घोल तैयार कर लेंगे। एक ग्लास मैंने और डाल दिया है, दो ग्लास पानी डाल दिए हैं। सो गाइस, इसको हाथ से ही मैश करना है और आधा ग्लास पानी और डाल दूंगी इसमें, और इसको हाथ से ही मैश करना है। जो गुठली होती हैं बेसन की, उसको इस तरीके से फोड़ लेंगे। आधा ग्लास से थोड़ा कम और लिया है मैंने, और सारी गुठलियों को हाथ से इस तरीके से फोड़ लेंगे। अभी गैस को ऑन नहीं करना है। इस तरीके से गैस मैंने सारी गुठलियों को फोड़ लिए हैं। थोड़ा सा पानी और डालेंगे तो आप गैस देख सकते हैं कि ये ना ज़्यादा पतला है ना ज़्यादा गाढ़ा है। इस तरीके से घोल तैयार कर लेना है। अगर गुठली आपसे नहीं फूट पा रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एक मथानी लेंगे और मथानी को उस तरीके से चला लेंगे। तो गाइस देख सकते हैं कि सारी गुठलियाँ फूट चुकी हैं। घोल भी तैयार हो चुका है। सो गाइस, ध्यान रहे इस घोल को ज़्यादा पतला नहीं करना है, नहीं तो आपका थोपा जो है बेकार हो जाएगा। अब गैस को ऑन करेंगे। सो गाइस, मैं अब गैस को ऑन करने जा रही हूँ। गैस का हाई फ्लेम पर ही रखना है गैस को। अब इसको चलाएंगे। एक थाली ले लेंगे और थाली में अच्छे से ग्रीस कर लेंगे ऑयल डालकर। तो गाइस, इसको ग्रीस कर लेंगे और इसको चलाएंगे। गैस को गैस हाई फ्लेम पर जब रखेंगे तो इस तरीके से बेसन आपस में मिक्स होने लगता है और ये गाढ़ा घोल बनने लगेगा। तो इसका गैस इस तरीके से डो तैयार कर लेंगे और इसको थोपा जिसको बोलते हैं, और इसको वही थाली में जो ग्रीस किया है उसमें जमा देंगे। तो गैस आप पूरी वीडियो देखिएगा, और मेरा एक कम्युनिटी बॉक्स में चैनल है, उसमें भी मैं शॉर्ट्स की वीडियो डालती हूँ। तो उसमें भी आप जाके कम्युनिटी बॉक्स में नोटिफिकेशन लिए तो उसमें आप जाके मेरे चैनल को देखिएगा, शॉर्ट्स की वीडियो देखिएगा, और मेरे शॉर्ट्स के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा। इस तरीके से इसको चलाते रहेंगे। गैस को मैंने हाई फ्लेम पर रखा है।
गाढ़ा होता जाएगा। और ध्यान रहेगा इस बेसन को भूनना नहीं है, अगर आप बेसन को भून लेंगे तो आपका ये थोपे का डो तैयार नहीं होगा और आपकी सब्जी भी अच्छी नहीं बनेगी और जमेगा भी नहीं। इस तरीके से इसको चलाते रहेंगे। अब गैस को थोड़ा सा लो फ्लेम पर कर देंगे। तो आप देख सकते हैं गैस ये गाढ़ा होने लगा है, उसको चारों तरफ से समेट लेंगे और एक चम्मच ले लेंगे, उससे इसको कटली से निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि बेसन का कलर इस तरीके से चेंज हो जाता है। और इस तरीके से देखेंगे ये जमने लगता है, तो ये चम्मच में जब चिपक जाता है तो आप गाइस देख सकते हैं कि ये वेस्ट पे तैयार हो गया है पेस्ट। और इसको चारों तरफ से समेटने के बाद गैस को लो फ्लेम पर कर देंगे। और इसको चलाएंगे। तो गैस ये पेस्ट तैयार हो चुका है थोपा, गैस को ऑफ कर देंगे और इसको उस थाली में निकाल लेंगे। तो गैस गैस को ऑफ कर दिए हैं, अब जो मैंने थाली में ग्रीस किया था वो इसमें बेसन को निकाल लेंगे। तो गाइस थाली में निकाल लिया है मैंने, अब हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। इस तरीके से ऑयल लगा लेंगे और लगाने के बाद देर न करते हुए इसको इस तरीके से जमा देंगे। पूरी थाली में इस तरीके से फैला देंगे। थोड़ा सा पानी हाथ में लगा लेंगे। और थाली में इस तरीके से बराबर फैला देंगे। हल्का सा गर्म लगता है गाइस हाथों में, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगर आपको गर्म लग रहा है तो एक प्लेट कड़छी ले लेंगे और इसको इस तरीके से दबा लेंगे। इसको गाइस रख देंगे पंखे के नीचे और इसको करेंगे ठंडा। तो गाइस मैंने इसको जमा दिए हैं। इस तरीके से गाइस थोपा जमा सकते हैं। थोपा जमाने की ट्रिक्स ऐसी लगी आपको, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि मैंने बेसन को किस तरीके से थोपा इसको जमाया है खतरे को। अब इसको गाइस समथिंग 15 मिनट तक इसको पंखे के नीचे रख देंगे। तो गाइस मैं जा रही हूँ इसको पंखे के नीचे रखने, हवा खिलाने इसको। तो गाइस इस कतरे को फ्राई करने के लिए मैंने लिए हैं 2 प्याज और 4 लहसुन की कलियाँ। तो इसको गाइस प्याज को छील लेंगे और लहसुन को छील लेंगे और मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। तो गाइस मैंने मिक्सी के जार में लहसुन की कलियाँ और प्याज 2 प्याज इस तरीके से काट के और इसको कटिंग चाहे आप कोई भी कर लीजिए, इसको मिक्स होना है पीस जाना है। तो गाइस इसको पीस लेंगे मिक्सी में, इसका ढक्कन बंद करके चला लेंगे। तो गाइस पेस्ट को तैयार कर लिया है। गैस को ऑन करेंगे और इस पर लोहे की कढ़ाई नहीं रखी, मैंने नॉन स्टिक की कढ़ाई रखी है, उस कढ़ाई को अलग कर दिया है और इसमें डालेंगे कड़वा तेल। तो गाइस
एक चमचा मैंने कड़वा तेल का लिया है और इसको गर्म करेंगे। इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून स्वाद अनुसार नमक। ऑयल गर्म हो चुका है और जो मैंने प्याज का पेस्ट तैयार किया था वो इसमें डाल देंगे। इसको चलाएंगे और इसको गुलाबी होने तक इसको फ्राई करेंगे। प्याज को गाइस देख सकते हैं थोड़ी सी गुलाबी हो गया है। देखिए आप देख सकते हैं गुलाबी हो चुका है ये। अब इसमें डालेंगे टर्मरिक पाउडर 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं मैं 1 टीस्पून ले रही हूँ और धनिया पाउडर 1 टीस्पून। अब इसमें पानी डाल देंगे। अब इसके मसाले को 5 मिनट तक इसको फिर से भून लेंगे। गरम मसाला 1/2 टीस्पून इसको चलाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि मसाले इतना तेल छोड़ देता है और मसाला इस तरीके से फ्राई हो जाता है। गैस को हाई फ्लेम पर ही रखना है। मसाला तैयार हो चुका है, गैस को लो फ्लेम पर कर देंगे। सो गैस मसाले की ग्रेवी तैयार हो चुकी है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है मसाला, इस तरीके से फ्राई कीजिएगा। सो गैस जो बेसन का थोपा तैयार किया था वो इस तरीके से पंखे में 15 मिनट हो चुके हैं और ये ठंडा हो चुका है, तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग इस तरीके से कटिंग कर सकते हैं। तो गैस मैं इसको काट रही हूँ, पीसेस कर लेंगे। एक चाकू लेंगे और चाकू से इस तरीके से कोई भी शेप आप दे सकते हैं इसको, बर्फी वाला शेप दे सकते हैं। छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। तो गाइस इसके जो मैंने पीसेस काटे हैं आप देख सकते हैं कितने अच्छे लग रहे हैं, इतना ज़्यादा टाइट है। मैं एक तोड़ के दिखा रही हूँ तरीके से, इसको निकाल लेंगे। ऊपर आवाज निकल रहे हैं इस तरीके से। अब पीसेस को निकालने के बाद क्या है गाइस, इसको मसाले वाली कढ़ाई में डाल देंगे। तो इसके गाइस इस तरीके से पीसेस निकालेंगे और सारे पीसेस बराबर निकल आएंगे। गाइस आप देख सकते हैं जो मैंने थोपा जमाया था कितना परफेक्ट जमा है। इस तरीके से गाइस आप जमाइएगा और ये गीला भी नहीं है, सॉफ्ट, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया अच्छा बना है। तो गाइस मसाला तैयार हो चुका है और जो मैंने बेसन के जो पीसेस काटे थे वो इसमें मसाले में थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर देंगे। इसको हाई फ्लेम पर देंगे और इसको चलाएंगे। अगर कड़ू कम लग रहा हो तो थोड़ी सी मिर्च और ऐड कर देंगे। ऊपर डालेंगे गाइस एक चुटकी आमचूर पाउडर, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। और इसको चलाएंगे।
इसको गाइस फ्राई कर लिए हैं, अब गैस को ऑफ कर देंगे, उसको सर्व कर लेंगे। तो गाइस बेसन के कतरों को मैंने सर्व कर लिया है और ये चटपटे मसालेदार बेसन के कतरे इस तरीके से गाइस बनाई गए और चटनी से टमाटर सॉस से खाइएगा, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। आप देख सकते हैं कितने सॉफ्ट बने हैं। तो गाइस आपको बेसन के कतरे की वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और भी आप पूरी वीडियो देखिएगा। इस तरीके से गाइस बनाइएगा बेसन के कतरे, नाश्ते में फटाफट आप बना कर दे सकते हैं गेस्ट को। अब बनाएंगे गाइस इसकी रसीली सब्जी।
हूँ।